बुरुज की ये निशानियाँ बेहतरीन जोड़े बनाती हैं। एक रोमानवी रिश्ते के फलने फूलने के लिए बहुत ज़्यादा प्यार और बरकरार रखने के लिए मुताबिकत की ज़रूरत होती है। तवील मुद्दती ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए खास मकदार में मुशाबहत और समझदारी की ज़रूरत होती है। हमारी शख्सियत के बास पहलुओं की लोग खामियां तलाश करते हैं ताकि ये मालूम किया जा सके कि हम किसी शख्स के साथ मुताबिकत रखते हैं या नहीं। बुरुज की निशानी ये शनाख्त करने का बेहतरीन तरीका है कि आपका साथी आपका बेहतरीन मैच है या नहीं। लिहाजा अगर आप किसी बेहतरीन साथी की तलाश में हैं तो यहाँ बुरुज के जोड़ों की फहरिस्त है जो बेहतरीन मैच बनाते हैं। पहला मैच एक्वेरियस और जेमिनी। एक्वेरियस और जेमिनी में एक जैसी लेकिन फजूल खर्च शख्सियतें हैं। तकलीकी सलाहियतें और तानाशाहाना सलाहियतों के लिहाज से ये दोनों एक दूसरे के लिए बेहतरीन मैच हैं। ये दोनों एक साथ शानदार कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। ये ना सिर्फ एक दूसरे की दुनिया को मजा और हंसी से रोशन करते हैं बल्कि एक दूसरे की राजदारी और इनफरादियत का बहुत एहतराम करते हैं। दूसरा मैच कैप्रिकॉन और टावरस। कैप्रिकॉन अपने निजामुल औकात और मंसूबों के लिए वक्फ है। वो अपने काम के वादों की गहरी परवाह करते हैं और वो किसी ऐसे शख्स की तलाश करते हैं जो उनके मकासिद और अजाइम को समझ सके। टावरस कैप्रिकॉन से बहुत मिलता जुलता है। उनका मकसद सुकून है और वो अपनी पेशावराना और जाती जिंदगी के लिए भी खासे वक्फ हैं। ये दोनों निशानियां बिलाशुबा एक अच्छी जोड़ी बनाती है क्योंकि इन दोनों का मकसद मुस्तहकम और महफूज ताल्लुकात का हासिल करना है। तीसरा मैच एराइस और सेगिटेरियस। ये दोनों बुरुज अपनी मुहिमजुई और मजे से मोहब्बत करने वाली फितरत के लिए जाने जाते हैं। एराइस और सेगिटेरियस ये दोनों एक दूसरे के लिए पैदा हुए हैं। अगरचे ये दोनों अपनी पसंद की चीज़ों पर महदूद नहीं हो सकते लेकिन वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि हर एक की अपनी एक निजी जगह हो। ताहम जब एक साथ होते हैं तो उनके पास याद रखने के लिए सबसे ज़्यादा मज़े और सनसनी खेज तजर्बात होते हैं। चौथा मैच स्कॉर्पियो और लियो। जितनी शिद्दत से ये जहन को सेट करते हैं उतनी ही शिद्दत के साथ लियो और स्कॉर्पियो हर वो काम कर सकते हैं जिनकी उनसे उम्मीद है। उनका अंतक जज्बा और गालिब शख्सियत उनके तकब्बुर और जज्बाती जहालत को मुतवाजन करने में भी मदद करती है जो तवील मुद्दत में बहुत सेहतमंद साबित होती है। पांचवा मैच लिब्रा और जेमिनी। लिब्रा और जेमिनी दोनों एक दूसरे की सोबत से लुत्फ अंदोज होते हैं। वो मिलकर एक दूसरे को बढ़ने में मदद करते हैं और एक दूसरे को हैरतअंगेज चीज़ों को हासिल करने के लिए तहरीक देते हैं। रोमानी तौर पर जुड़े होने के अलावा एक मजबूत फिक्री ताल्लुक भी पैदा करते हैं जो उन्हें हर वक्त पुरसकून रखती है। छठा मैच कैंसर और पिसिस। जब बात रोमानवी ताल्लुकात की हो तो कैंसर और पिसिस मोहब्बत के परिंदों का एक बेहतरीन मजमुआ है। मोहब्बत और जज्बे को महसूस करने की कैंसर की एहलियत के साथ एक पिसिस की शख्सियत देने और बर्दाश्त करने की वजह से अब तक के बेहतरीन जोड़े बनते हैं। सातवां मैच विर्गो और टावरस। टावरस इस विर्गो के कंफर्ट जोन में है। वफादारी के ख्याल से मोहब्बत करने के अलावा इस्तेकाम और सलामती के बारे में भी हैं। ये कहा जा रहा है कि कुंवारे रिश्ते में टावरस थोड़ा बहुत नाजुक हो सकता है लेकिन टावरस के लिए विर्गो कामिल पार्टनर के तौर पर जाना जाता है। आठवां मैच लियो और सेगिटेरियस। जब बात सेगिटेरियस और लियो की हो तो तफरी एक ऐसी चीज है जो उन्हें आपस में जोड़ती है। दोनों इंतहाई मशगूल हैं और एक दूसरे की सोबत में रहना पसंद करते हैं। सेगिटेरियस के दिलकश बर्ताव और लियोस को खुश करने वाली शख्सियत के साथ दोनों शानदार लेकिन शदीद जोड़े माने जाते हैं। सब्सक्राइब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से। कहीं सब्सक्राइब करने से होता हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।